नमस्ते दोस्तों, मैं सुमिला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से अपने बगीचे में आ रखी हूँ और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 9:30 का टाइम है और इस टाइम पे मौसम हमारा जो यहाँ पे इस साइड में जो हमारे यहाँ पे धूप बहुत देर में आती है। जो मेरे आगे वाले साइड है जहाँ पे मैंने फूल रखे हुए हैं, फूलों के पौधे रखे हुए हैं, वहाँ पे धूप सुबह ही आ जाती है। तो वहाँ पे मेरे सारे फूल वाले पौधे हैं, यहाँ पे थोड़ी देर से धूप आती है। तो मैंने आज आपको यहाँ पर जो मैंने छाया में कुछ काम करा है, अपने ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे टमाटर का पौधा है, इसमें मेरे ढेरों टमाटर मेरा बना हुआ है। ये देखिए कितने मेरे टमाटर बने हुए हैं, इनका साइज़ को बड़ा करने के लिए मैंने देखिए सारे के सारे मैंने इतने आज देखिए पत्ते सारे हटा दिए हैं। पत्ते हटाने का यही कारण है कि सारी जो एनर्जी है मेरे जो एनर्जी अपना पौधा जो है ना पत्तों को बड़ा करने में लगा देता है। पहले भी मैंने पत्ते निकाले थे, उस टाइम मेरे फूल आ रहे थे, तो मैं फूलों को बड़ा करने के लिए और फूल निकलने के लिए मैंने पत्ता हटाया था। इस टाइम पे मैंने पत्ता हटाया कि अपने ये टमाटर को की जो है मेरी ग्रोथ जो है अच्छी बने और बड़े 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 टमाटर मेरे हों, तो इसीलिए मैंने इस बारी सारे जो है पत्तों को हटाया। ये हटाना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी अगर आपके भी टमाटर के अगर पौधे लगे हुए हैं तो आप भी ये काम करें कि आपने जो आपके जो टमाटर के पौधे हैं उसके सारे पत्ते जिस तरीके से मैंने हटाए हैं, यहाँ पे देखे ढेर पर मैंने सारे पत्ते एकदम इसके रिमूव कर दिए हैं, सारे हटा दिए हैं। ये देखिए सारे, तो ये सारा जो पत्ते हैं अपने एनर्जी जो है वो ना पौधा अपने पत्तों को बड़ा करने में लगा देता है और हमारा जो है हमारा फल जो होता है वो छोटा रह जाता है। यानी कि जो हमारा अभी टमाटर के पौधे में मैंने ये काम किया तो हमारा टमाटर का साइज़ छोटा हो जाता क्योंकि सारी एनर्जी पत्तों पर लग जाती, तो इसीलिए सारे पत्ते हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, और यहाँ पे मेरे टमाटर देखिए, साइज़ देखिए टमाटरों का, और छोटे छोटे मेरे देखिए कितने सारे टमाटर लगे हैं। इन्हीं को बड़ा करने के लिए मैंने आज सारे पत्तों को रिमूव कर दिया है, सारा हटा दिया सारे पत्तों को। ये काम बहुत ज़रूरी है टमाटर के पौधों में हट करना। और दूसरा ये काम है कि टमाटर के पत्ते हटाने से सारे हमारा जो है हमारा कंटेनर जो है पूरा ढक जाता है और हमारे जो है मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, हमारी जो जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है, मिट्टी में हमारा ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हटाने से भी ये काम भी हो जाता है कि मिट्टी में जब पूरा हमारा ऑक्सीजन चला जाता है, हवा पानी सब आराम से हमारा पता चल जाता है। और दूसरा हमारा ऐसा होता है कि हमें सारा पूरा कंटेनर हमारे पत्तों से भरने के कारण हमें पानी का भी पता नहीं चलता कि हमारे पौधे में कितना पानी है, यह है भी कि नहीं भी है। तो ये सब जो है हम पत्ते हटाने से हमको ये सब पता चल जाता है। देखिए मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी हो रखी है, ये देखिए। तो इसमें मेरा काफ़ी टाइम से मैं पानी तो मैं इसमें डालती थी पर ऊपर ही ऊपर पानी जाता था और नीचे मुझे पता नहीं चलता था क्योंकि ये पूरा मेरा इतना पत्तों से मेरा पूरा नीचे की तरफ से भरा हुआ था, तो पत्तों की वजह से मुझे पता नहीं चलता था कि पानी मेरा कितना है। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, देखिए ऊपर ऊपर पानी होता था, नीचे तक पूरा पानी नहीं जा पाता था। तो यही वजह है पत्ते हटाने का भी, तीसरी वजह हमारी ये है कि पत्ते हटाने का, तो पत्ते हटाना बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए पानी नहीं है पत्तों में, तो देखिए पत्ते मेरे नीचे की तरफ को लोग हो रखे हैं, पूरा कंटेनर अब पूरी तरीके से नज़र आ रहा है कि हमें मेरे पूरे कंटेनर में तीन मैंने कंटेनर टमाटर के मेरे तीन कंटेनर हैं टमाटर के, मैंने तीनों कंटेनर में टमाटर लगा रखा है एक साथ ऊपर को जा रखे। तो ये देखिए इसमें ही मेरा बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं पानी इसमें डालूंगी, पूरा भर भर के इसमें पानी डालूंगी ताकि इसकी जड़ों तक पूरी इसकी जड़ें जो है गीली हो जाए। तो इस तरीके से मैंने पानी डालना है। पानी इसके पत्ते हटाने से मुझे ये भी पता चल गया कि पानी की बहुत कमी हो रखी है मेरे टमाटर के पौधे में। दूसरा है यहाँ पर मेरा ये भी टमाटर लगा हुआ है मेरा ये अलग कंटेनर में, यहाँ पर देखिए तो इसके भी मैंने पत्ते सारे हैं हटा लिए हैं। इसमें भी मेरे देखिए ढेर इसमें टमाटर बने हुए हैं, इसमें देखिए इसमें भी हमारे बहुत सारे टमाटर निकले हुए हैं। ये देखिए दूसरा मैंने टमाटर मेरे बहुत सारे लगे हैं, वो मेरा एक कंटर सा है कनस्तर जो होता है तेल वाला, उसमें भी मैंने टमाटर लगा रखे हैं। और ये देखिए उसके ही मैंने पत्ते बहुत सारे के सारे हटा दिए। तो पत्ते हटाने का सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने पौधों के जो है पत्ते ज़रूर हटाने हैं टमाटर के पौधे के, टमाटर की ग्रोथ जो है बड़ी होने के लिए, टमाटर बड़ा साइज़ बड़ा करने के लिए हमें पत्तों के हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सारे पत्ते हटा दिए हैं, ये देखिए। और जो इसके नीचे नीचे जो पत्ते बनते हैं, नीचे नीचे जो इसके ये निकलते हैं सूट्स ऐसे तरीके से निकलते हैं, वो सब हमें हटाना है यहाँ से, देखिए नीचे से। तो ये जो है ये भी एनर्जी सारी की सारी जो है, ये देखिए इस तरीके से जो ये भी सारे हमारे जो है पौधे की सारी एनर्जी अपने को बड़ा करने में लगा देते हैं, ये देखिए। और टमाटर हमारा बड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि नीचे से ही जो नीचे हमारे जो सारी नीचे नीचे सारी जो है हमारी वो जो है टमाटर सारी के जो नीचे नीचे से जो पौधे निकलते हैं ना, ये देखिए नीचे नीचे के जो शूट्स निकलते हैं वही सारी एनर्जी ले लेते हैं और हमारा ऊपर तक जो हमारा टमाटर लगा हुआ है हमारा जो उस पर तो
तक ताकत नहीं पहुंच पाती है, यानी कि पूरी एनर्जी वहां तक नहीं पहुंच पाती है टमाटर को बड़ा करने के लिए। तो इसीलिए वो सारे वो भी हमको नीचे से सारे के सारे हटाने हैं। देखिए नीचे नीचे के जैसे ये लगे हुए ना, ये इनसे अब कोई टमाटर नहीं मिलेगा हमको। टमाटर जो हमको ऊपर मिल गया है वही टमाटर हमें मिलता है। तो इनको सबको ये चीज सबको हमको इस तरीके से जो है नीचे से निकल जाते हैं ना छोटे छोटे, ये देखिए इस तरीके से हमारी छोटी छोटी कॉम्प्लेन निकल जाती हैं। ये देखिए उनको सबको हटाना है हमें इस तरीके से। अब इनमें हमें कोई टमाटर नहीं मिलने वाला, जो टमाटर हमारे लग गए हैं उन्हीं में ही हमको हमको ध्यान देना है, उनको उन्हीं की तरफ हमको पूरा ध्यान देना है। ये देखिए इन्हीं को ही हमें बड़ा करने के लिए उनकी तरफ हमको ध्यान देना है। और जो हमारे नीचे से नए नए पत्ते निकल रहे हैं उनको सबको हटाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे से भी सारा मैंने ये कर दिया है। और मैं दिखाती हूँ आपको टमाटर के पौधे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैंने एक टमाटर का पौधा लगा हुआ है। और इसके भी देखिए पत्ते हैं, ये बड़े बड़े पत्ते हैं, इनको सबको मैं हटा लूँगी। ये देखिए इस टाइम इनको मैं फूलों को बड़ा करने के लिए, हमारे अधिक से अधिक मेरे टमाटर में फूल निकले, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये मेरा पहला काम है। जब फूल निकल रहे हैं तब भी पत्ते हटाने। ये देखिए इसमें अभी टमाटर बना नहीं है, टमाटर इसमें अभी फूल ही निकल रहे हैं। देखिए इसमें अभी कितना छोटा पौधा है, इसमें फूल निकलने शुरू हो गए हमारे। और ये नीचे से जो निकल रहे हैं ना इनको हटाना है हमें। ये देखिए नीचे से जो हमारे पत्ते निकलने लगाते हैं छोटे छोटे, इनको सबको हटाना है। ये देखिए तो इस टाइम भी हमको पहला काम तब करना है जब हमें हमारे फूल निकल रहे हों, तभी भी हमको पत्ते अपने पौधे के हटाने हैं। ये देखिए मैंने इसमें से पत्ते हटा दिए। यहाँ पर मेरा दूसरा भी टमाटर लगा हुआ है, ये देखिए। तो इसको हटाने में काफ़ी टाइम लग रहा है पत्तों को हटाने में। ये देखिए मैं काफ़ी टाइम से पत्ते हटाने में, सुबह से पत्ते हटाने में लगी हुई हूँ अपने पौधों के। ये देखिए तो ये सारा हटाना है, इसमें मेरे देखिए टमाटर बन रहे हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इसमें भी देखिए छोटे छोटे टमाटर आ रहे हैं। तो इसको भी हमें यही काम, ये काम भी मुझे सारा, आप लोगों के भी अगर टमाटर लगे हुए, टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, टमाटर में फूल बन रहा है, तो फूल बनते समय भी अपने हल्के हल्के अपने सारे पत्ते हटा लें। और जब फूल बनने के बाद हमारे को टमाटर उसमें फूल जो हमारा है कन्वर्ट हो जाएगा टमाटर में, तो तभी भी हमें जो है पत्ते उसके हटाने हैं, तब हमें फल बड़ा करने के लिए, यानी कि टमाटर का साइज़ बड़ा करने के लिए हमें इससे पत्ते हटाने। तो ये सारे मेरे यहाँ पर देखिए टमाटर मेरे बहुत सारे मैंने पौधे लगा रखे हैं टमाटरों के। ये देखिए यहाँ पर भी टमाटर के पौधे हैं, हमें दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये भी टमाटर के मेरे यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इनमें भी मुझे यही काम करना है कि सारे मेरे को पत्ते हटाने हैं, इनके मैंने अभी हटाए नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये टमाटर मेरा देखिए यहाँ पे भी मेरा बना हुआ है। और इसके भी मैंने पत्ते देखिए सारे आपको दिख रहे होंगे कि सारे मैंने इसके पौधे के सारे पत्ते हटा रखे हैं। ये देखिए पत्ते, ये देखिए। तो इसमें भी मेरा बहुत अच्छा टमाटर बना हुआ है, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए टमाटर का साइज़ भी अब इसमें देखिए बड़ा होने लग गया है। ये देखिए ऐसे गुच्छों में मेरा ये टमाटर लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से इसके हम भी इसके पत्ते ही मैंने पहले ही मैंने इसके पत्ते हटा लिए थे। सबसे पहले इसमें टमाटर बनना शुरू हुआ था हमारा, तो मैंने इसके पत्ते भी मैंने हटा लिए थे। तो तब से देखिए इसमें पत्ते बहुत कम हैं और टमाटर देखिए मेरे कितने ज़्यादा ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए। और यहाँ पे फिर मेरा एक टमाटर का और पौधा है, ये देखिए। इसके मैंने अभी पत्ते नहीं हटाए क्योंकि अभी मेरे पास, मैं धीरे धीरे ही सारा काम कर रही हूँ, एकदम तो सारा काम नहीं हो सकता। तो धीरे अभी मैंने आगे वाले पत्तों के हटाए हैं जिसमें टमाटर निकल गए, इसमें अभी टमाटर नहीं निकले, इसमें तो अभी फूल ही बन रहे हैं। तो फूल बनते समय भी मुझे पत्ते हटाने हैं, तो अभी इसके मैं भी पत्ते बाद में हटा लूँगी, ये काम मैं धीरे धीरे कर लूँगी। तो ये सब काम जो है टमाटर पे हमें, अपने जो टमाटर का हमारा पौधा लगा हुआ है वो हमें सारे सारे के सारे काम हमें टमाटर पे करने हैं इस वक्त हमें टमाटर पे करने हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मेरा टमाटर का पौधा लगा हुआ है, ये देखिए। तो यही सब मैंने आज आपको बताना था कि आज मैं टमाटर पे मैंने क्या क्या काम किया और कैसे कैसे मैं काम अपने टमाटर पे कर रही हूँ ताकि मेरा टमाटर का साइज़ बड़ा हो जाए। ये सब मैंने काम किया है। और मेरा अभी टमाटर में जब मेरा बिल्कुल भी पानी नहीं डाला हुआ, तो इससे मैंने पानी डालने का काम करना है। एक देखिए अभी बिल्कुल भी पानी, ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई है मिट्टी, से हमें पता चल गया कि मेरी मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। पानी अब डालूँगी। और जो ये जो मैंने पत्ते निकाले हैं
ये जो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, ये मेरे ग्रो बैग जो है मेरे अभी भरने हैं मैंने ग्रो बैग अपने, तो उसमें मैं अंदर इसको फुल करने के लिए, ग्रो बैग को फुल करने के लिए मैं इसमें डालूंगी इनको, और सूखे पत्तों के साथ मिक्स करके मैं इनको डालूंगी। फेंकना नहीं है, जो ऐसे निकल जाते हैं तो उसको ग्रो बैग भरने के लिए हमारे जो है वो काम आते हैं, या कंटेनर भरने के काम आते हैं हमारे ये। तो चलो फिर मैं अब इसके साथ ही अपनी वीडियो करती हूँ समाप्त। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी तरीके नई नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।